सकल निगम मंत्री निशित मति सुवेद्यो विषवंदो हीनाद जनन मरण हीना शुद्ध बोध स्वभाव जगद उदय रक्षा नुगहन मधीश जगद्वंद्यो नाद तव च महिमा शास्त्र निगमे नुषाद ब्रह्मात्मा त्वमसि गभीरोरगीव विभेदहराकाशा स्फुटसि सततं दीप्ति सदृशो महादेवी रूपा प्रति सत शिवो भी प्रकटित अखंड ब्रह्मांड नायक भगवत चरण कमल वंदन परम प्रभु परमाराध्य आज अभी नाग का मंगलाचरण आप लोग सुने और इस नागिन धुन में जो आप लोग भजन सुना तन शुद्ध करो मन थीर करो सुनो अंतर नागरे सूर्याधाम में जाने का इस पंक्ति में शुरू से लेकर के अंतिम तक का वर्णन है। और जैसे सबसे पहले ज्ञान मार्ग में या भक्ति मार्ग में चलने के लिए सबसे पहले शरीर की शुद्धि बताई और अंत में कहा सूर्याधाम में जाने का। तो सूर्याधाम के वर्णन भी आज आप लोग विशेष रूप से सुनेंगे। सूर्याधाम किसको कहते हैं? सबसे पहले शरीर की शुद्धि इसलिए बताया, जब तक शरीर की शुद्धि नहीं होगी तब तक हम ज्ञान के मार्ग में नहीं चल सकते। सबसे पहले इसलिए शास्त्र में कहता है आहार शुद्धो सत्व शुद्धि सत्व शुद्धो दुराशु। आहार के शुद्धि होने से आहार शुद्धो सत्व शुद्धि बुद्धि की शुद्धि और बुद्धि की शुद्धि होने से तब परमात्मा को स्मृति आती। तो आहार की शुद्धि सबसे पहला सोपान है, पहला सिद्धि। जब तक आहार की शुद्धि न हो तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि शास्त्र कहता है अभक्ष निवृत्त्या तो शरीरम शुद्धम भवे। अभक्ष वस्तु से निवृत्त होने के बाद तब हमारा शरीर शुद्ध होता है और शरीर शुद्ध होने के बाद तब मन की शुद्धि आती है। शरीर की शुद्धि का मतलब हम स्नान आदि करते हैं, तीर्थ में जाते हैं, तीर्थ में स्नान करते हैं, ये बाहरी शुद्धि। इन उसका हमारे जो शरीर में जो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण जो अनेक प्रकार के विषमता है, इस अन्न के प्रभाव से हमारा अंदर में प्रभाव होता है। इसीलिए सबसे पहले कहा तन शुद्धि शरीर की शुद्धि अशेष की शुद्धि के लिए आहार शुद्धि जरूरी है। हम संक्षेप में आगे बढ़ने जा रहे हैं। जब शरीर की शुद्धि हो जाए तब आगे कहते हैं तन शुद्ध करो मन स्थिर करो। मन की स्थिरता मल विक्षेप आवरण ये तीन प्रतिबंधक माना गया है ज्ञान प्राप्ति के लिए। तीन प्रतिबंधक मल विक्षेप आवरण, तो मल की शुद्धि ये शरीर की शुद्धि से आहार की शुद्धि से ये शुद्धिकरण और कर्म से भी हमारा ये शुद्धि होती। तो आगे कहते हैं विक्षेप, विक्षेप का निराकरण। विक्षेप माने चंचलता, उस चंचलता का निराकरण मन की स्थिरता से होती है।
अब मन फिरता कब होगी, जब हम ध्यान करेंगे। और वो ध्यान कैसे होगा, तो गुरु के निर्देशन से। बिना गुरु के निर्देशन से हम ध्यान में भटक सकते हैं। कैसे ध्यान करेंगे, किसको ध्यान करेंगे, ध्यान के रास्ता में क्या क्या आएगा, क्या हमको पकड़ना है, क्या नहीं पकड़ना है। इसलिए भेदी गुरु से इसको दीक्षा लेने की परंपरा, और उसके माध्यम से जब हम अभ्यास करेंगे तब हम आगे प्रवेश क्या किस में करेंगे, तो सुनो अंतर नादरे। जब हमारे चित्त शुद्ध हो गया तब, इसीलिए शास्त्र में कहते पुस्तक लाओ, पुस्तक हमारे नाद दर्शन के पुस्तक लाओ, छोटका बड़का वाला नाद दर्शन में जो नाद लहरी जो श्लोक है, इस श्लोक में हमने कहा कि इस श्लोक में बताया गया कि शरीर की शुद्धि, चित्त की शुद्धि के लिए इसमें पंच श्लोकी में बताया, स्थिरा दृष्टिर्भ्रुवो भावति सततम् योग पथि भी स्थिरो वायुर्येषं जनयति सुखं शान्तहृदये स्थिरं चित्तं योगे ध्वनति तु सुषुम्नादजनिता जगन्मार्गं हित्वा अनुसरति मार्गं हि निनदम्। इस पंचलोकी लहरी नाद लहरी के अंतर्गत श्लोक ने बताया, जब हम ध्यान करते हैं तो हर चीज, हमारे वायु, हमारे दृष्टि, हमारे चित्त, सभी कुछ स्थिर होता है। यहाँ तो कहा तन शुद्ध करो, मन स्थिर करो, मन की स्थिरता, और सुनो अंतर नाद रे। तो मन की स्थिरता होने के बाद नाद सुनने की बात आती है। तो इसमें इस श्लोक में बताया, स्थिरा दृष्टि भ्रुवो, जब हमारे दृष्टि, हम जब ध्यान करते हैं तो हमारे दृष्टि भूमध्य में स्थिर हो जाए। जो सतत हम अभ्यास करेंगे, सतत योग अभ्यास करेंगे, योग मतलब जोड़ने का काम, हम अपने सूरत को, अपने सूरत को लक्ष्य में जब जोड़ते रहेंगे तब हमारे वायु, हमारे प्राण, हमारा जो प्राण है, श्वास प्रश्वास क्रिया, वो भी स्थिर हो जाए। स्थिरो वायु येषां जनयति सुखं शांत हृदय, स्थिरो वायु, तो वायु भी स्थिर हो जाता, श्वास प्रश्वास भी स्थिर हो जाता है, और तब आगे जाके चित्त भी स्थिर हो जाता है। चित्त स्थिरम चित्तम योगे, और जब चित्त स्थिर हो जाता है तो कहा ध्वनति सुषुम्ना ध्वजंता, तो चित्त स्थिर हो जाने के बाद सुषुम्ना मार्ग में ये नाद प्रकट होगा। इसीलिए कहा वेद में कहते हैं, दृष्टि स्थिरा यस्य विना सदृशम, वायु स्थिरो यस्य विना प्रयत्नम, चित्तम स्थिरम यस्य विना अवलंबम, सब ब्रह्म तारा अंतर नाद रूप। ब्रह्म तारा मैंने तारक ब्रह्म इसको कहते हैं, तो संसार से तारने के कारण इसको तारक ब्रह्म कहा जाता है। वो अंतर नाद रूप, अंदर में जो नाद रूप है वो अंतर नाद रूप वो प्रकट होता है। कब, जब दृष्टि स्थिर, जिसकी दृष्टि स्थिर हो जाए। अब दृष्टि बाहरी दृष्टि भी है, चर्म दृष्टि भी है, और अंतर में मानस दृष्टि भी है। तो दोनों दृष्टि, ध्यान के लिए चर्म दृष्टि भी स्थिर होना जरूरी है और मानस दृष्टि भी स्थिर होना जरूरी है। इसलिए कहा, कबीर साहब कहते हैं बीजक में, दृष्टि माँ ही विचार है बुझे गिरला कोई, चर्म दृष्टि छोटे नहीं नाते शब्दी हो। जब तक हम चर्म दृष्टि मैंने आँख की दृष्टि से जब तक हम ऊपर नहीं उठ जाते हैं तब तक हम शब्दी नहीं बन सकते।
इसने कहा दृष्टि में ही विचार है, दृष्टि में ही सब विचार है। दृष्टि कौन से दृष्टि है? चर्म दृष्टि, मानस दृष्टि, आत्म दृष्टि, बहुत से दिव्य दृष्टि, बहुत से दृष्टि हैं। इस दृष्टि को यदि हम समझ लेते हैं तो हम आगे इस संपूर्ण अध्यात्म पद को समझ सकते हैं। तो नाते शब्द हुई, जब तक हम ये चर्म दृष्टि से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक हम शब्द नहीं बन सकते। यहाँ का अब आगे कहते हैं, सुनो अंतर नादरे, ये सब हो जाने के बाद तन की शुद्धि हो, चित्त की स्थिरता हो, तब हम नाद सुनेंगे। नाद सुनने के क्या फायदा, नाद सुन करके क्या होना है? बहुत से लोग कहते हैं अभी मैं स्कूल स्कूल में भ्रमण करता हूँ और शिक्षक लोग को कहता हूँ ये मेरा नाद दर्शन पढ़िए और समझिए बुझिए, इसमें इंग्लिश में भी लिखा है समरूप नाद दर्शन। लेकिन उन लोग कहते हैं नाद किसको कहते हैं, मैं उसको इंग्लिश में कहता हूँ, इंग्लिश में कहते हैं उसको डिवाइन मेलोडी, डिवाइन मेलोडी प्रोड्यूस्ड विद इन हार्ट विदाउट हार्ट, बिना ठोकर संघर्ष के हमारे हृदय में जो दिव्य ध्वनि होता है उसी को नाद कहते हैं। वो नाद सुन करके हम कहाँ जाएंगे तो कहते हैं तुरिया धाम में। इसलिए मंगल वाला भजन में हमने कहा नादक के डगरिया से तुरिया धाम में जीवे, नादक के डगरिया से नाद के रास्ता से हम तुरिया अवस्था में जाएंगे। इसमें क्या प्रमाण है, इसमें क्या प्रमाण है कैसे हम नाद के द्वारा तुरिया अवस्था में जाएंगे, इसमें प्रमाण बताते हैं। अब देखिए मैं संक्षिप्त में इसको सारांश रूप में ये दर्शन को मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें नाद के द्वारा अभ्यस मानो नादोयम बाह्यम आवरण तो ध्वनि पक्षात विपक्षम अखिलम जित्वा तुरियम पदम ब्रजे, जित्वा तुरियम तुरियम पदम ब्रजे। इस नाद के अभ्यास से हम तुरीय अवस्था को पहुँचेंगे, तुरीय अवस्था को प्राप्त करेंगे। अभ्यास मानो नादोयम का नाद के अभ्यास करके पक्षात विपक्षम अखिलम, पक्ष मैंने क्या है नादाकार चित्तवृत्ति, विपक्ष क्या है संसाराकार वृत्ति को जीत कर, नादाकार वृत्ति से संसाराकार वृत्ति को जीत करके तुरीय पद में जाए, ऐसा शास्त्र निर्देश करते हैं। और इसका अंत में बताते हैं, अंत में कहा ये विस्मृत सकलम बाह्यम नादे दुग्धम मुर्मना एक ही भूयात सहसा चिदाकार से विलियते। जब नाद और मन जब दूध पानी के समान घुल मिल जाता है तो दोनों ये चिदाकाश आत्मा में विलीन हो जाते हैं। विस्मृत सकलम बाह्यम, हम बाहर की सारी बात भूल जाते हैं। विस्मृत सकलम बाह्यम नादे दुग्धम मुर्मना, नाद में दूध पानी के समान जब मन मिल जाता है तो ये दोनों मन और नाद दोनों चिदाकाश आत्मा में विलीन हो जाता है। और जब विलीन हो जाता है तो केवल आत्मा ही आत्मा रह जाता है और यही नाद दर्शन का एक प्रक्रिया है। इतना कहते हुए हम अपने वाणी को यहीं विराम लेते हैं। बोले श्री सतगुरुदेव की जय। तो आप लोग इस नाद दर्शन को सुनने के लिए इस वीडियो को देखिएगा और लाइक और शेयर भी करेंगे।